अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हम आपको फराह किचन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए आलू गोश्त की यखनी का सालन लेके आए हैं। ये 250 ग्राम कुकिंग ऑयल है, हम इसको शामिल कर देंगे डेक्ची में। जब ये कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें हम 250 ग्राम प्याज शामिल कर देंगे। हमने 1 किलो अड्डी वाला गोश्त लिया है, उसमें हम 3 पाव आलू डालेंगे। हमने गोश्त को यहाँ बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये जब गल चुकेगा तो फिर सालन पकाने में आसानी हो जाती है। अब ये तेल गर्म हो चुका है, हम इसमें ये 250 ग्राम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, फिर इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम ये 300 ग्राम टमाटर शामिल कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पे हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। अब इसमें हम ये 2 स्पून गेंजन गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे। टू स्पून हम इसमें यखनी आलू गोश्त का मसाला शामिल कर देंगे। वन स्पून इसमें हम ये रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे। वन स्पून ये क्रश चिली शामिल कर देंगे। वन स्पून ये मिसावा धनिया शामिल कर देंगे। हाफ स्पून ये जीरा पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ स्पून ही घर का भुना हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ स्पून ही टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम तमाम मसालों को हम अच्छी तरह भूनेंगे। जब ये मसाले अच्छी तरह भून जाएंगे, फिर इसमें हमने 3 पाव आलू लिए थे जिनको हमने छोटे छोटे पीसों में काट दिया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। 1 स्पून हम इसमें ये सॉल्ट शामिल कर देंगे। अब ये मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है, अब इसमें हम कटे हुए आलू शामिल कर देंगे। गोश्त हमारा गरा हुआ है, हम उसको बाद में शामिल करेंगे। अब इसमें हम ये 3 पाव जितने आलू शामिल कर देंगे, जिससे हमने चीर के काट लिया था। अब इससे हम अच्छी तरह आलूओं को 5 मिनट मसाले के साथ भूनेंगे। फिर इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके आलूओं को गलने के लिए छोड़ देंगे। इसे अच्छी तरह इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। ये बहुत ही मज़े का आलू गोश्त की यखनी का सालन है। इसे आप हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का आलू गोश्त का सालन पकता है यखनी स्टाइल का। अब ये गोश्त, अब ये आलू मसाले के साथ अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हमने जो 1 किलो गोश्त लिया था, जिसे हमने बॉईल कर लिया था, वो आप इसमें हम शामिल कर देंगे। ये 1 किलो हड्डी वाला गोश्त है, ये बछिया का गोश्त है, हमने हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे हम 5 मिनट आलूओं के साथ और मसाले के साथ भूनेंगे। फिर इसमें जो हमने गोश्त इस पानी में बॉईल किया था, हम उसका स्टॉक इसमें शामिल कर देंगे। अब हम 5 मिनट गोश्त को मसाले के साथ भूनेंगे, फिर इसमें गोश्त का बचा हुआ स्टॉक शामिल कर देंगे, जिसमें ये आलू गल जाएंगे। अब गोश्त को आलू और मसाले के साथ भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम ये हुआ स्टॉक है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने जो गोश्त में से बचा हुआ स्टॉक था गोश्त का, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। जब ये आलू गल जाएंगे, फिर इसे हम चेक करेंगे। अब इसका हम ढक्कन कवर कर देंगे। अब इस गोश्त को मसाले के साथ और आलू के साथ पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। इसमें हम ये 8-10 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। अब इसे हम सिर्फ 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर कवर कर देंगे, फिर हमारी ये आलू गोश्त की यखनी की रेसिपी तैयार है। ये हमारे आलू गोश्त की यखनी का सालन तैयार है, इसे हम डिश में निकाल देंगे। हमारे व्यूवर्स, ये हमारे आलू गोश्त की यखनी का सालन तैयार है, इसे आप हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का डिलिशियस आलू गोश्त का
यखनी स्टाइल सालन है। इसे आप हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। हमारे व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो को देखते तो ज़रूर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।